नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों। हम दसवीं कक्षा के पूर्व ज्ञान में वार्षिक प्रश्न पत्र का नमूना जान चुक रहे हैं। हम पहले दो कक्षाओं में हम पहला जो रोमन नंबर वन हमें व्याकरण की दृष्टि से हम जानकारी लेते हैं। तो पहला है मां तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में दिया गया है। पहला व्याकरण दृष्टि यानी ఫస్ట్ బ్లాంక్ వచ్చేసి తస్సం తద్భవ శబ్దకు వచ్చినటువంటిది అమ్మ. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దూసరా హమరదోస్ ప్రవీణ్ పర్స క్రియా విశేషణకి సంబంధించినటువంటిది. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెంబర్ అనమాట, ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు దాని వల్ల సంఖ్యా రూపంలో అంటే వర్డ్స్ ఇన్ వర్డ్స్ లో రాయాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మనకి విభక్తి ప్రత్యయాలు అంటే ప్రథమ విభక్తి మూలు, అదే విధంగా హిందీలో కర్తా కారక ప్రత్యయ కర్మకారక విభక్తి ప్రత్యయాల గురించి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మనకి సమాసము మరియు దాని విగ్రహ వాక్యము మరియు దాని యొక్క సమాసం గురించి ఇస్తాడు. సిక్స్త్ వన్ సంధి విచ్ఛేదిస్తాడు. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి మనకి భక్తి ఏక్ శబ్దమే అనేక శబ్ద కెలియే ఏక్ శబ్ద అనేక శబ్ద కెలియే ఏక్ శబ్ద అనేటువంటిది సెవెంత్ వన్ ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎయిత్ వన్ దిల్ బైట్ జానా ఇస్ ముహావరే కా అర్థమే పహచాన్ కర దిల్ బైట్ జానా అనే జాతీయాలు. జాతీయాలు అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి సామెతలు పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటువంటి జాతీయాల గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాము. సో మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్ అంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ నైన్త్ బ్లాంక్, నైన్త్ బ్లాంక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఏమి చూడండి, ఒకసారి చూడండి మీకు మోడల్ పేపర్ లో రాముకి మాత గుడి పోగయి హే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ రాముకి మాత ముడి హో గయి హై. ఇస్ తరహ యహా వాక్య దియా గయా హై ఔర్ ఇస్మే కోష్టక్ మే లిఖ్ గయా కి లింగ్ బదల్ కర్ వాక్య ఫిర్ సే లిఖియే. యహా కహా హై లింగ్ బదల్ కర్, యహా హమే బ్రాకెట్ పుట్ ఇన్ బ్రాకెట్ లింగ్ బదల్ కర్, లింగ్ బదల్ కర్ వాక్య ఫిర్ సే లిఖియే అన్నాడు. వాక్య ఫిర్ సే లిఖియే అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మనకి ఇలా బ్రాకెట్ వేసాడు, రాముకి మాత బుడి హోగయి హే రాము యొక్క మదరు ముసలావిడ అయిపోయింది అనేటువంటి సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇసే మనం క్యా కర్నా హే లింగ్ బదల్కర్, లింగ్ మానే స్త్రీలింగ్ పుల్లింగ్, స్త్రీలింగ్ పుల్లింగ్ అనే స్త్రీలింగ్ మే దేనే పర హమ్ ఉస్ వాక్య కో పుల్లింగ్ మే బదల్కర్ లిఖ్నా पड़ता है, और यानी पुल्लिंग में देने पर हमें स्त्रीलिंग में बदलकर लिखना पड़ता है. तो रामू की माता बुढ़ी हो गई, यह पहला हम यह जान लेना है कि हो गई यह वाक किस लिंग में है, किस लिंग में है माँ रामू की माता, माता माता के बारे में यहाँ संबोध किया गया है, रामू की माता के बारे में यहाँ संबोध किया गया है. तो यह स्त्रीलिंग है, यह किस तरह का वाक्य है, स्त्रीलिंग वाक्य है. तो अब हम इसे किस लिंग में बदलना है, पुल्लिंग यानी रामू, हम सब्जेक्ट आकर कर्ता आकर वही रहता है रामू रामू, हम जैसा है वैसा ही लिखते हैं रामू की, रामू की, रामू का. जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं तो हम की शब्द का सहाय क्रिया का हमें प्रयोग करते हैं. यहाँ रामू का पिता माता का लिंग वचन क्या है, माता स्त्रीलिंग है, यानी पुल्लिंग में बदलने पर माता को पिता पुल्लिंग है, पिता बुढ़ी इसे बुढ़ा बुढ़ी यानी इकारांत पद, स्त्रीलिंग इकारांत पद, यहाँ पुल्लिंग बुढ़ा हो गया है, हो गया है. इसका जवाब यानी इसका उत्तर आ रहा है, रामू का पिता बूढ़ा हो गया है यानी लिंग वचन. हमें यहाँ पर ऊपर दिया गया है प्रश्न स्त्रीलिंग में दिया गया है माँ, तो हम उसे पुल्लिंग में वाक्य पूरा बदलकर लिखना चाहिए, यानी एक शब्द बदलने का नहीं होता, यह पूरा वाक्य यानी पहले से एक रामू क्या पिता, रामू के पिता बूढ़ा हो गया है, रामू का पिता बूढ़ा हो गया है, इसका उत्तर आकर यह है. और दसवां वाक्य देखिए, और दसवां वाक्य इस तरह दिया गया है, पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं, पुरुष दसवां
पुरुष ढोलक की मदद से, पुरुष ढोलक की मदद से, पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं। यह इस तरह हमें वाक्य दिया गया है और इसे वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए कहा है। वचन बदलकर, वचन एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या है? एक वस्तु के बारे में बताने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। एक के बिना कई, दो तीन चार, कहना अधिक, अधिक वस्तु हो या अधिक आदमियों के बारे में या अधिक किसी विषय के बारे में बताने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है हम लोग प्रश्न? वचन बदलकर, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, वाक्य फिर से लिखिए, ऐसा हम प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसे वचन बदलना, पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं, यानी यह बहुवचन में है, गाते हैं। ता ते ती, ता पुल्लिंग एक वचन के लिए, ते पुल्लिंग बहुवचन के लिए, ती स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन के लिए उपयोग करते हैं। तो पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं। इसे अब हम यह वाक्य किस वचन में है? मां है के ऊपर, यानी डॉट है के ऊपर बिंदु है, यानी यह बहुवचन रूपी है। तो हम इसे, यह किस तरह का वाक्य है? बहुवचन रूपी वाक्य है, ने बहुवचन रूपी वाक्य। तो हम इसे किस में बदलना है? एक वचन। पहले हम वचन बदलकर लिखने, इस सवाल प्रश्न पूछने पर हमें दिया गया है वाक्य किस वचन में है। मन की वचन मार्च सेंटेंस इच्छा, मन की पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं अने सेंटेंस इच्छा, दाने वचन रूपा मार्च मल्ल वाक्या मल्ल तिगे रायन से मन की क्वेश्चन इच्छा। सो फस्ट मन की सेंटेंस अभी वचन एक वचन बहुवचन अने चुन फस्ट मन अबर्वन इपड़ी सेंटेंस वचन पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं डॉट फ्लोर लगे। सो दी मन सिंगुलर अने सिंगुलर पुरुष की एक वचन सेम एक वचन पुरुष रास्ता ढोलक एस्टिस ढोलक की मदद वर्ड सेम एस्टिस मदद से गाता है, मदद से गाता है, यानी दसवा है यह पुरुष एक वचन बहुवचन, यानी एक वचन और बहुवचन। और दूसरा नेक्स्ट ग्यारहवा आकर यानी ग्यारहवा वाक्य आकर यानी ग्यारहवा यहाँ पर यह दिया गया है ग्यारहवा आकर देखिए और एक बार यहाँ ग्यारहवा आकर रामू पाठशाला जाता है। इस वाक्य को भूतकाल में बदलकर लिखिए रामू पाठशाला जाता है। इस वाक्य को भूतकाल में बदलकर लिखिए भूतकाल, यानी दिया गया वाक्य किस तरह का है ये हमें पहला यहाँ पहचाना है। भूतकाल में बदलकर लिखिए ता ते ती आने पर ता वर्तमान काल में, वर्तमान काल किसे कहते हैं? प्रस्तुत में करने वाले कामों के बारे में बताने वाले शब्द को वर्तमान काल कहते हैं। प्रस्तुत में करने वाले चेस्तू उन्नटुवंटि पनुल गुरिंचि तेलियजेसेटुवंटि दानि एमंटारंटे प्रेजेंट टेंस अंटारु। प्रेजेंट टेंस अनेदि वर्तमान काल में ता पुल्लिंग एकवचनानिकि, ते पुल्लिंग बहुवचनानिकि, ती अनेटुवंटिदि स्त्रीलिंग एकवचनानिकि मरि बहुवचनानिकि उपयोगिस्तां। सो फस्ट मनकि इक्कड इच्चिनटुवंटि सेंटेंस देंट्लो उंदनुकोवालि मनमु? प्रेजेंट टेंस लो उंदि। నన్న ఏమన్నాడు? పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మార్చమని చెప్పాడు. భూతకాలం అంటే ఏంటి? అయిపోయినటువంటి దాని గురించి చెప్పేటువంటి దాన్ని భూతకాలం అంటాం. ఏమంటాము? అయిపోయినటువంటి విషయం గురించి మాట్లాడేది భూతకాలం. సో రాము పాఠశాల జాతహై, రాముడు స్కూల్ కి వెళుతూ ఉన్నాడు అనమాట.
सो దాని మనం భూతకాలంలో మార్చాలి అంటే దాని ఆన్సర్ ఏంటి రాము పాఠశాల పాఠశాల గయా జా ప్లస్ యా గయా జానా ప్లస్ యా మన పాస్ట్ టెన్స్ మార్చాలి గయా థా అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు గయా పెట్టుకోవచ్చు గయా థా రాము రాము నే కారక రత్నాలు చాహి రాము నే పాఠశాల గయా థా నే పెచ్చ క్యూ రహనా హై पास्ट टेंस है ना भूतकाल में ने यहाँ सहायक क्रिया है सब्जेक्ट है ना कर्ता के बावजूद हमें रामू ने पाठशाला गया रामू ने पाठशाला गया इसका उत्तर यहाँ हम लिख सकते हैं और बारह देखिए गोपाल उसके पिताजी का आधार करता है इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए बारवा है यहाँ गोपाल उसके गोपाल उसके गोपाल उसके पिताजी का गोपाल उसके पिताजी का आदर आदर करता है आदर करता है इस वाक्य को शुद्ध रूप में इस वाक्य को शुद्ध रूप में शुद्ध रूप माने सही क्रम यानी जो यहां गलत है उसे सही रूप में शुद्ध रूप में शुद्ध रूप में लिखिए यानी करेक्ट सेंटेंस लो रायल गोपाल उसके पिताजी का आदर करता है उसके पिताजी का आधार करता है पिताजी అని ఇచ్చినప్పుడు కర్త అనేటువంటిది రాకూడదు पिताजी అని ఇచ్చినప్పుడు गोपाल उसके पिताजी का आधार गोपाल उसका जवाब गोपाल उसके उसके यानी उसके यह आकर शुद्ध रूप अपने वह उसका यह हिस्सा यह हमें नहीं लिखना चाहिए यानी यहाँ गोपाल अपने पिताजी का अपने तना फादर का अपने पिताजी का यह वह उसका यह हिस्सा अने रायगढ़ में राउंड सो गोपाल अपने पिताजी का आदर करता है सिंगर लो उंदी काबट्टी सिंगर लो मन रासा अन्नमाट इदि उसके वह उसका यह इसका अनेटुवंटिदि मनम इक्कड रायकूडदु सो दसवीं कक्षा के छात्र आप व्याकरण दृष्टि से जो बारह पाठ्याने 12 ब्लैंक्स एवैते इच्चारो दानि गुरिंचि मनं चेप्पामम्मा फस्ट वच्चेसि मनकि एमेम उंदि फस्ट वच्चेसि तस्म तद्भव शब्द फस्टदि तस्म तद्भव शब्द सेकंड वन वच्चेसि क्रिया विशेषण ఒకసారి మళ్ళీ మనము जस्ट हेडिंग चूद्दाम फर्स्ट वन वच्चेसी तत्सम तद्भव शब्द तत्सम तद्भव शब्द सेकंड वन वच्चेसी क्रिया विशेषण की संबंधिंचिनटुवंटी क्रिया विशेषण थर्ड वन वच्चेसी संख्या रूपम अंटे नंबर इव्वडम अन्नमाट 1950 समथिंग एदो ओक नंबर फोर्थ वन वच्चेसी फोर्थ वन कारक चिह्न चिह्नाल कारक चिह्न और फिफ्थ वन समास और विग्रह वाक्य समास और विग्रह वाक्य समास रूपी पहचाना सिक्स्थ वन संधि विच्छेद संधि विच्छेद सेवेंथ वन सेवेंथ वन वच्चेसी अनेक शब्द के लिए एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द और आठवा एइथ वन वच्चेसी मुहावरे वाले शब्द
मुहावरे वाले शब्द। नाइन्थ वन लिंग बदल कर लिखना, लिंग बदलना। टेंथ वन वचन बदलना। इलेवेंथ वन काल प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस काल बदल कर लिखना। ट्वेल्थ वन शुद्ध रूपी वाक्य लिखना, शुद्ध करके लिखना, शुद्ध करके यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स सेंटेंस रॉन्ग राइट चेसे आगे। तो बच्चों दसवीं कक्षा के आप यहाँ 12 हमें व्याकरण दृष्टि से 12 ब्लैंक्स यानी वाक्य दिए हैं, उसे हम इस तरह बोले हैं। तो अगला विषय अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद। नेनु निकुच्छा।